नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। पोस्ट बैलेट से मतदान के लिए मजिस्ट्रेट वैशाली विधानसभा रवाना। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा, रिपोर्ट राहुल कुमार। द्वितीय चरण के मतदान के लिए वैशाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कन्हौली विशनपुर सी और कन्हौली धनराज पंचायत में दिव्यांग, बुजुर्ग एवं कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं के लिए पोस्ट बैलेट के साथ दंडाधिकारी रविशंकर प्रसाद को महुआ प्रखंड से उक्त दोनों पंचायतों के लिए रवाना किया गया। इसके पूर्व महुआ BDO मनोज कुमार के निर्देशन में मास्टर ट्रेनर द्वारा पोस्ट बैलेट के द्वारा मतदान कराए जाने के टिप्स उपस्थित मतदान कर्मियों को दिए गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी लोक सूचना पदाधिकारी मनोज कुमार जी, 12D फॉर्म क्या है इसके बारे में बताएं। पोस्टल बैलेट मतपत्र के लिए 12D फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इस बार 12D फॉर्म जो है वो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज और वो ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है और वो COVID-19 के चपेट में आने की जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, ज़्यादा प्रोन टू रहते हैं, उनके लिए हम लोग दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है 125 वैशाली विधानसभा का, उनके लिए सभी BLO लोग हैं वो लोग ले जा करके आज पोस्टल बैलेट जो है जो लोग एलिजिबल वोटर हो सकते हैं सबके घर 12D जो है रिसीव करा दिए हैं। और उसके बाद उन लोगों की जिस तरह की मंशा होगी कि वो 12D के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं या बूथ पर ही आकर के मतदान करेंगे, जैसी उनकी इच्छा होगी, अगर वो अपने घर पर मतदान करना चाहेंगे 12D के माध्यम से तो हम लोग जो है उनके पोलिंग पार्टी हमारी बनी हुई है, पोलिंग पार्टी जा करके 12D के बाद जो पोस्टल बैलेट है वो उपलब्ध कराया जाएगा और उस पर मतदान